टनकपुर में लंबे समय से अवैध आरा मशीन में लकड़ी की कटाई का काम चल रहा था। हल्द्वानी वन प्रभाग के शारदा रेंज और तराई पूर्वी वन प्रभाग के खटीमा रेंज की संयुक्त टीम ने छापा मारकर इस अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया। हल्द्वानी वन प्रभाग के DFO बाबूलाल और SDO ममता चंद के निर्देश पर शारदा और खटीमा रेंज के वन कर्मियों की टीम ने मनिहार कोट में मोहम्मद अलीम के घर में छापा मारा तो टीम ने देखा कि अवैध आरा मशीन में सागौन के लट्ठों को काटा जा रहा है। जैसे ही टीम वहां पहुंची, मशीन संचालक अलीम मौके से फरार हो गया। वन क्षेत्र अधिकारी पूरन चंद्र जोशी ने बताया कि इस छापेमार कार्रवाई में अवैध आरा मशीन के अलावा सागौन के दो अवैध लट्ठे और चिरान की हुई सागौन के 35 फ्रेम बरामद हुए हैं। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी मिली कि मनिहार गोड में कोई अवैध आरा मशीन संचालित हो रही है। इस संबंध में मैंने औचक इस एरिया में दबिश दी। वहाँ पर एक मनिहार गांव के अंदर एक आरा मशीन संचालित थी और उसमें चिरान भी हो रहा था। मैंने तत्काल उस मशीन के बारे में आवश्यक कार्रवाई करते हुए जो वहाँ बरामद सागौन की लकड़ी जो चिरान हो रही थी उसको बरामद किया। मशीन को भी अपने बरामद करके रेंज ऑफिस ले आया हूँ। जो उसमें मुख्य वांछित अभियुक्त है उसके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के अपराध के तहत मुकदमा कायम कर रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।